कि पिछले क्लास में इन्वायरमेंट के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में बताया गया था, बिल्कुल उसी का एक्सटेंशन है ये, एयर पोल्यूशन ही है। इसमें हम जानेंगे आज क्लास में एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या चीज़ है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये जानेंगे इसके बारे में। उसके बाद सेकेंड बात करेंगे रेडॉन के बारे में, रेडॉन क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट कंसर्न है इसके बारे में। उस पर स्मोक पढ़ेंगे, स्मोक हमने पहले भी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा था, जहाँ पे पर्टिकुलर मैटर के बारे में पढ़ा था हमने, है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पढ़े थे, तो उस समय भी इस चीज़ का जिक्र हुआ था स्मोक का। उसके बाद स्मोक का टाइप्स बताएंगे, ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और इसका असर ह्यूमन हेल्थ पे क्या है, और दूसरा भी क्या असर है, वो सभी चीज़ जानेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं एस्बेस्टस से। देखो एस्बेस्टस, देखो एस्बेस्टस तुमको ये समझना होगा कि ये सिलिकेट फाइब्रस मिनरल्स का कम्बिनेशन है, यानी कि सिलिका से बना हुआ चीज़ जिसका कम्बिनेशन में 6 नेचुरली कम्बाइंड होता है। कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टोटाइल, क्रोटाइल, एमोसाइट्स, एंथ्रोफाइलाइट, ट्रिमोलाइट एंड एक्टिनोलाइट, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्म्स हैं। किसके फॉर्म्स हैं? सिलिकेट फाइब्रस मिनरल्स के फॉर्म्स हैं, 6 फॉर्म एक साथ, जब ये सब साथ में आते हैं, कंबाइंड रहते हैं, उसी को एस्बेस्टस कहा जाता है। समझ में आया? सो सिंपल, ये टेक्निकल वर्ड याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह सकते हो कि 6 नेचुरली अकरिंग जो सिलिकस फाइब्रस मिनरल होता है, जो कंबाइन होकर एक फॉर्म में रहते हैं, उसी को हम एस्बेस्टस कहते हैं। ये सब टेक्निकल नाम है, वो 6 को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेकेंड, देखो फाइब्रस मतलब क्या होता है, फाइब्रस समझते ही हो, फाइबर से बना हुआ है ना, फाइब्रस मटेरियल है, कम्बिनेशन है 4 फाइब्रस मटेरियल से या मिनरल से बना हुआ चीज़ है, जिसको एस्बेस्टस कहा जाता है, नंबर 1। दूसरा क्या है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। देखो इसका फ़ायदा क्या होता है, ये इतने फ्लेक्सिबल होते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ से पास नहीं हो सकता है, रजिस्टर नहीं हो, मतलब ये रजिस्ट कर पाते हैं उसको, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं हो सकता है, हीट भी पास नहीं हो सकता, और बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी भी इसके अंदर है। तो जो ये जो क्वालिटी है ना, यही क्वालिटी प्रभावित करता है कि इसको बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, समझे बात को, क्योंकि जो चीज़ फ्लेक्सिबल हो, जो चीज़ एज ए इंसुलेशन काम दे, वो पूरी तरीके से इंडस्ट्री में यूज़ होने योग्य है, बात समझे, इसलिए कहा जाता है सो इट इज़ अ वाइडली यूज टू मेक कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इसलिए इंडस्ट्री में एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में यूज होता है, नंबर 1। दूसरा क्या, ऑटोमेटिक पार्ट में भी, ऑटोमोबाइल्स का जो बहुत सारा पार्ट देखते हो उसमें भी एस्बेस्टस का यूज होता है। हमने तो क्या किया कि वाओ सिलिकस है, हमने क्या किया कि सिलिकेट फाइब्रस मटेरियल्स है बोल के हमने यूज़ कर दिया, क्यों, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, रेजिस्टेंट टू एनर्जी ना, डेट इज़ अ लाइट, डेट इज़ योर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मगर बाद में क्या पाया कि इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हेल्थ के ऊपर, बाद में आफ्टर यूज़ करने के बाद हमें पता चलता है, वो क्या है, देखो ये इजिली ब्रोकन डाउन हो सकता है, द फाइबर्स डैट फॉर्म एस्बेस्टोस सेपरेट वेरी इजिली इंटू टाइनी स्पीसीज, जो तुम्हारा थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो इसमें तो टूट के बिखर जाता है। यही कारण है कि जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में इसको जब यूज़ किया जाता है तो थोड़ा सा भी इंटरफेरेंस की वजह से, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस में ये टूट जाता है, वही टूट के बहुत पॉइजनस हम जब सांस लेते हैं उसमें आ जाता है, ये इसका सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। देखो ये क्या बोला गया है, द फाइब्रस डेट फॉर्म एस्बेस्टस सेपरेट वेरी इजली इंटू टाइनी पीसेस व्हेन दे आर हैंडल और डैमेज्ड, आराम से भी एक्सटर्नल फोर्स लग गया और बिखर जाएगा पीसेस में, समझे, नंबर 1। एंड दे आर टू स्मॉल टू सी एंड ईजी टू ब्रीथ इन, इतना छोटा है कि आप देख नहीं सकते हैं और आराम से सांस ले रहे तो आपके नाक के अंदर आ जाएगा और बहुत खतरनाक इम्पैक्ट देगा ये, समझे, कि बाहर का एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा सा भी क्या हुआ कि टाइनी पीसेस में ब्रेक हो गया, अब जब टाइनी पीसेस में ब्रेक होगा हम देख भी नहीं पाएंगे, बस सांस लेंगे वो चला जाएगा अंदर, जैसे पर्टिकुलर मेरा 2.5 का होता है, 10 का होता है, 2.5 तो अंदर हमारे लंग सिस्टम में चला जाता है, समझ गए ना बात को, इसलिए एयर पोल्यूशन का पार्ट है एस्बेस्टस, ठीक है। उसके बाद देखो, लंबा समय तक यदि एस्बेस्टस फाइबर्स लिए, तुम इनहेल किए, तो बाबू ये सीरियस कंसर्न हो सकता है, फैटल इलनेस भी हो सकता है, समझे, मर भी सकते हो, ठीक है। देख जैसे एग्जांपल लंग कैंसर हो सकता है इससे, मेसोलेथोमिया भी हो सकता है, एस्बेस्टिस भी हो सकते हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में जानेंगे अभी थोड़ी देर में। तो लंबा इनहेल करने की वजह से क्या हो सकता है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकता है और लास्ट में एंड में फैटल डेथ भी हो सकता है, मर भी सकता है आदमी। तो क्या चीज़ है, देखो ये जो यहाँ पे शब्द आया है मेसोथेलोमा और एस्बेस्टोसिस आया है, ये दो चीज़ जानेंगे कि ये चीज़ क्या है। लंग कैंसर, सो सिंपल, लंग में असर पड़ गया, क्यों, अरे भाई लंग आपका ब्रीदिंग सिस्टम से रिलेटेड है, अभी भी यही कहा जाता है ना, एक्सरसाइज करो ठीक से, लंग्स का जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड करो, बड़ा बनाओ, ठीक है ना, बड़ा बनाओ ताकि वो क्या करें, ऑक्सीजन को ठीक से ले सके। यस,
क्योंकि अभी जो लास्ट स्टेज में कोविड 19 का देख रहे हो, सेकेंड फेज में जो लास्ट क्या है तुम्हारा, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ब्रीदिंग सिस्टम ठीक होना चाहिए, इसके लिए सबको काम करना चाहिए, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। ठीक है, सभी को काम करना चाहिए, अपने ब्रीदिंग सिस्टम पे अभी काम करना चाहिए कोविड 2.0 में, समझे ना। सभी स्टूडेंट को, सभी जितने भी नागरिक है, सभी को काम करना चाहिए इस पर। ठीक है, और ये काम मैं आज से ही कर रहा हूँ, तो करना चाहिए सबको, क्योंकि ऑक्सीजन का कमी है पूरा अभी इंडिया में। ठीक है ना, कमी भी क्या बोले, मोबिलिटी की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम तो प्रोड्यूस तो उतना कर पा रहे हैं, बिकॉज हमारा जो मोबिलिटी है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इसकी वजह से वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप अपना प्रिकॉशन लो, अपना लंग सिस्टम को ठीक कर लो। केवल भाषण सुनने से नहीं होगा, काम करना पड़ता है इसके ऊपर। ठीक है ना, योगा वगा कर लो बैठ के, लंबा ब्रीदिंग पावर जो होता है वो बेस्ट रहेगा। नहीं, रनिंग तो मस्ट है, रनिंग करके तब योगा करिए, तब बेस्ट रिजल्ट। हाँ हाँ हाँ, अपने आप खुद दौड़ना सबसे बड़ा एक्सरसाइज है। दौड़ने का जो रिप्लेसमेंट, कोई कुछ नहीं, मतलब उसका रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। नहीं, रनिंग का नहीं हो सकता। रनिंग का हम लिटरली बता रहे हैं, रनिंग का रिप्लेसमेंट योगा भी नहीं हो सकता है। रनिंग सबसे बड़ा एक्सरसाइज है, रनिंग से बड़ा एक्सरसाइज नहीं है। रनिंग करके आप योगा करिए और ऐसे आप योगा करिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर, बहुत अंतर है। वॉकिंग ठीक है, मगर रनिंग ज़्यादा ऊपर का चीज़ है, क्योंकि रनिंग में आपका हर एक बॉडी का जितना ही पार्ट्स है उस सब पे इम्पैक्ट होगा, समझे ना। देखो एस्बेस्टस, जैसे कि एस्बेस्टस के बारे में बताया गया कि क्या है ये, छः तुम्हारा सिलिकस फाइबरस मटेरियल से बना हुआ चीज़ है, उसका किस तरह आंसर देखे, वो टाइनी डिस्टर्बेंस की वजह से टूट जाता है, और ब्रीथिंग इनहेल करने की वजह से बहुत सारा इसका फैटल डिजीज भी हो सकता है, जिसमें लंग कैंसर एंड सो ऑन। अब देखते हैं कि जो बताए थे कि मेसोथेलेमिया, ये क्या है जी, ये एक्चुअली हमारा टिश्यूज का लेयर है एक्चुअल में, ये एक नाम है जी, यहीं से तुम्हारा जो इसी को यदि डिफेक्ट होता है तो इसी को बोलते हैं मेसोथेलेमिया, थोमा बोला जाता है एक्चुअली। मेसोथेलेमिया इलियम जो है, IEM है, ये लेयर है टिश्यूज का, जो कि हमारा चेस्ट के आसपास जो टिश्यूज है उसके ऊपर सराउंड रहता है, इर्द गिर्द घिरा रहता है। तो वही बोला गया है, इट इज़ द लेयर ऑफ टिश्यूज दैट सराउंड द ऑर्गन ऑफ द चेस्ट, हार्ट या लंग्स, उसके आसपास टिश्यूज है, ये लेयर ऑफ द टिश्यूज है। एब्डोमिनल कैविटी, जो कैविटी है हमारा, उसी का लेयर के उसी का तुम्हारा टिश्यूज है ये। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द ऑर्गन एंड टू एड इन ब्रीदिंग, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करे और सांस लेने में हेल्प हो। अब जब ये आपका बार बार आपका ये जो क्या बोले एस्बेस्टस का जो आप ले रहे हैं, सूंघ रहे हैं, हाँ ब्रीथ इन कर रहे हैं, ये फंक्शंस को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वही बोला जा रहा है कि मेसोथेलेमिया जो है ये रेयर टाइप ऑफ कैंसर है, जो कि डायरेक्ट असर किसको करेगा, मेसोथेलियम को करेगा असर, क्योंकि मेसोथेलियम क्या है, टिश्यूज है जो कि चेस्ट के आसपास पाया जा रहा है, जो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, जब आप सांस लेते हैं तो उसको हेल्प करता है आपको, और यहीं जाकर उस टिश्यूज का जो लेयर है उसको इम्पैक्ट कर देता है, इसलिए उस टिश्यूज का जो नाम है उसी नाम से ये बीमारी का नाम भी है, समझ गए, मेसोथेलेमिया, समझे, मेसोथेलेमिया इज कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ एस्बेस्टस पार्टिकल, समझे, ये इसलिए होता है क्योंकि हम एस्बेस्टस पार्टिकल्स को इनहेल कर लेते हैं। होप सो समझ में आ गया होगा। मोस्ट ऑफ द केस मेसोथेलेमिया सिम्टम्स विल नॉट अपियर इन इंडिविजुअल एक्सट्रीम्स टू, कभी कभी इसका सिम्टम्स नहीं दिखता है, समझे। और देखिए मैं बहुत देर हो जाता है, यानी शुरू में आपको सिम्टम नहीं दिखेगा, और जब आपको सिम्टम्स दिखेगा तो पता चला कि देर हो गया, लेट हो गया। वही बोला जा रहा है, will not appear in individual exposed to asbestos until many years after the exposure has occurred. जब exposure हो चुका है, आपको harm कर चुका है, बाद में पता चलता है, बहुत तब तक बहुत लेट हो जाता है, इसलिए सीरियस कंसर्न है। एस्बेस्टस का इनहेल करना बहुत ही बड़ा कंसर्न है, मैटर ऑफ कंसर्न है, समझ में आता है कुछ, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो, एक तो हो गया तुम्हारा, यानी कि हमने क्या बोला कि लंग कैंसर का बोलने की जरूरत नहीं है, सो सिंपल, मेसोथेलेमिया है, थोमा है तुम्हारा, उसके बारे में बता दिए। अब सेकंड जानते हैं एस्बेस्टोसिस में क्या होता है। देखो एस्बेस्टोसिस में क्या है कि लॉन्ग टर्म इनहेलेशन, लंबा समय तक यदि तुम एस्बेस्टिस लेते रह गया और सूंघते रह गया, तुमको पता ही नहीं चला, अगल बगल कंस्ट्रक्शन वाला एक्टिविटी हो रहा है, लंबा समय तक तुम ले रहे हो उस चीज़ को, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, स्कैरिंग ऑफ द लंग्स क्या हुआ, छोटे पड़ जाएंगे तुम्हारे ड्यू टू एस्बेस्टिस। और इसका सिम्टम्स क्या होगा कि ब्रीथ का शॉर्टनेस होना, सांस जो ले रहे हो छोटे 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 ले रहे हो, पल एक तरह बड़ा नहीं ले पाते हो, नंबर वन, कॉफ हो गया, ठीक है, चेस्ट पेन हो गया,
देखो कोविड का भी बहुत सारा सिम्टम मैच कर रहा है यहाँ से। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है इससे, मे इंक्लूड लंग कैंसर भी हो सकते हैं और दूसरा भी डिजीज हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है एस्बेस्टस हमारे शरीर को, ठीक है, लंग कैंसर से लेकर और भी बीमारी हो सकते हैं। इसलिए प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए सरकार को भी और लोगों को भी, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जितना घर से दूर हो उतना बेस्ट है, समझे ना, उतना बेस्ट है। अब बात करते हैं रेडन का, तो एक समझ गए एयर पोल्यूशन जो एस्बेस्टस, अभी तक नाम भी नहीं सुने होंगे इसका, है ना, नाम नहीं सुने हम क्या करें, मगर तुम्हारा एयर पोल्यूशन का पार्ट है। इससे पहले भी जितना भी पढ़ाया गया है एयर पोल्यूशन के बारे में ही पढ़ाया गया, जाके ईमानदारी के साथ देख लेना। और एयर पोल्यूशन से एक दो क्वेश्चन तो बनता ही है सिविल सर्विस में, ठीक है, बिल्कुल बनता है। पर्टिकुलर मैटर 2.5 और 10 तो हमेशा सदाबहार टॉपिक है न्यूज़ के लिए, और उसके बावजूद भी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड पूछ ही लेता है, एसिड्रेन के बारे में थोड़ा सा चर्चा हो ही जाता है क्लास में। क्लास में क्या, वहाँ पे आराम से आपको एलिमिनेशन में पूछ लेगा, वहाँ पे एस्बेस्टस दे देगा, कुछ पता ही नहीं है, आप एलिमिनेट कर दोगे वहाँ पे। अर्थ मेटल बिल्कुल, हाँ, अब पूछता है बिल्कुल उसी हिसाब से बनाया भी गया है। ये जो नोट्स जो बनाए गए सभी चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, क्या क्या इंपॉर्टेंट, नहीं तो ये बाबू ये सब अनंत है चैप्टर, इसमें पढ़ोगे तो बहुत लंबा पढ़ सकते हो ना, कोई सीमा थोड़ी है किसी भी चीज़ का। ये सभी चीज़ को किया गया कि ये ट्रेंड देख के कि कितना साल से क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से डाला गया है यहाँ इस नोट्स में, समझे। सेकंड पढ़ते हैं हम लोग रेडन के बारे में। देखो रेडन बहुत ही पावरफुल रेडियो एक्टिव गैस है जो कि नेचुरली तुम्हारा कहाँ से निकलता है, सोइल से निकलता है, समझे। व्हेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम थोरियम गो इनटू डीके, जब डीके हो रहा होता है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जैसे थोरियम हो गया यूरेनियम हो गया, तो उस समय रिलीज होता है ये सोइल से, आर गेटिंग मी, सोइल से सब रिलीज होता है। तो वही देखो फर्स्ट लाइन फिर से पढ़ते हैं कि रेडन बहुत ही पावरफुल रेडियो एक्टिव गैस है जो कि नेचुरली कहाँ से इमिट होता है, सोइल से होता है, और कब होता है, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम और थोरियम जब डीके प्रोसेस से गुजर रहा होता है, समझे ना। डीके प्रोसेस याद करो क्लास 12 का, वो N59 वाला एक्सपोनेंशियल जो डाउन हो रहा है डीके हो रहा है, ठीक है, क्लास 12 में बहुत बखूबी ढंग से मैप के थ्रू ग्राफ के थ्रू समझाया है इस चीज़ को, होप्स आप इमेजिन कर पा रहे होंगे उस डायग्राम को बिल्कुल, अब तुमको पढ़ा होगा तब ना तुमको याद आएगा जी। लंबा चैप्टर है थोरियम और यूरेनियम पे चैप्टर है ना जी, हाँ, डीके जो होता है एक्सपोनेंशियल के हिसाब से डीके होता है, ग्राफ नीचे गिरता है, बिल्कुल वहीं से बिल्कुल वो डीके है, इसलिए मैं मेरा ध्यान चला गया उस तरफ। स्टडीज हैव शोन अ क्लियर लिंक बिटवीन, देखिए स्टडीज जो भी हुए हैं डायरेक्ट बोला गया कि ब्रीदिंग हाई कंसेंट्रेशन रेडन एंड अकरेंस ऑफ लंग कैंसर, लंग कैंसर का ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाता है यदि आप ज़्यादा रेडन को लोगे, हाँ रेडन को आप यदि ज़्यादा सांस लोगे उसका ब्रीदिंग में वो आपके अंदर चला जाएगा तो कैंसर होने का उतना ही संभावना रहता है लंग कैंसर रहने का, क्योंकि इफेक्ट कर देगा लंग्स को। नंबर थ्री देखो रेडन इज अ कंटेमिनेटेड इफेक्ट्स इंडोर एयर क्वालिटी वर्ल्ड वाइड, देखो ये क्या बोला कि जो इंडोर है जैसे घर के अंदर भी बहुत असर पड़ता है, क्यों, क्योंकि भाई तुम्हारा ठीक से वेंटिलेशन नहीं है, वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी घर में, आर गेटिंग मी, वेंटिलेशन होना मस्ट है, नहीं तो इंडोर एयर पोल्यूशन का ही बहुत बड़ा समस्या है। तो वही कहा जाता है कि रेडन इज अ कंटेमिनेटेड दैट अफेक्ट्स इंडोर एयर क्वालिटी वर्ल्ड वाइड, पूरा दुनिया में देखा गया कि इंडोर में बहुत ज़्यादा असर करता है इसका, समझे। जैसे एग्जांपल देखो यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के हिसाब से रेडन सेकेंड मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ लंग कैंसर है, बताओ सबसे ज़्यादा लंग कैंसर में वो सेकेंड कंट्रीब्यूशन इसका जाता है, रेडन का जाता है आफ्टर सिगरेट के बाद। मैं सिगरेट तो आदमी जानबूझ के पीता है, मैं ये तो जानबूझ के नहीं ले रहा, फिर भी देखो कितना डेंजर चीज़ है ये, देखो कॉजिंग 21,000 लंग कैंसर डेथ पर ईयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स का ये आंकड़ा है। यूनाइटेड स्टेट्स में देखो इतना क्यों, कि यूनाइटेड स्टेट्स में ये सब चीज़ होता है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, एमिट होते हैं सभी चीज़। रेडन इज यदि मेडेंसिटी का बात करें हैवियर देन ईयर है, ईयर से ज़्यादा है, इट इज़ अ फाउंड इन लो लाइंग एरियाज, छोटे छोटे वाले एरियाज में, लो लाइंग मतलब बड़ा बड़ा अल्टीट्यूड में नहीं, नीचे वाले एरियाज में पाया जाए, क्योंकि डेंसर है ये, जब डेंसर है तो एयर पे फ्लोट नहीं हो सकता, एयर पे फ्लोट नहीं हो सकता तो नीचे मिलेगा तुमको ये, तो वही कहा जा रहा है कि लो लाइंग एरियाज में पाए जाएंगे जैसे बेसमेंट हो गया सिलेंडर और पोअरली वेंटिलेटेड प्लेसेस, जहाँ पे ठीक से वेंटिलेशन नहीं है बोले इनडोर में वहाँ पाए जाएंगे, इसलिए घर में घर बनाते हुए ये वेंटिलेशन का ध्यान रखना है। ड्यू टू मॉडर्न हाउसेस हैविंग पोअर वेंटिलेशन, बोल तो रहा है कि अभी मॉडर्न हाउसेज में क्या कि वेंटिलेशन उतना बढ़िया नहीं है, और देखो इट कन्फाइंड इन टू द हाउसेज एंड कॉजेस लंग कैंसर, घर घर में लंग कैंसर हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, क्योंकि मॉडर्न हाउस में आपका ठीक से वेंटिलेशन फैसिलिटी ही नहीं है, जब फैसिलिटी नहीं है तो इंडोर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेगा, जब कंट्रीब्यूट करेगा तो लंग कैंसर में कंट्रीब्यूट करेगा, और वहाँ से ये कहेगा कि सिगरेट से ज़्यादा आपका ये है,
इतना मतलब इतना कंट्रीब्यूशन है इसका। यूनाइटेड स्टेट्स का है दो, और तो यूनाइटेड स्टेट्स का है, मगर तुम इसका गैटिट्यूड यहाँ से पता कर सकते हो कितना बड़ा असर कर सकता है। अब स्मोक है, देखो स्मोक हमेशा जानते हैं, स्मोक स्मोक क्या है, स्मोक प्लस फॉग है ना। अब फॉग जानते हो, कुआसा जिसको बोलते हो तुम लोग, है ना। अब स्मोक क्या होता है, स्मोक क्या है कि पार्टिकुलर मैटर के साथ और भी बहुत सारे तुम्हारा लगे हुए हैं, जैसे पीएम के साथ तुम्हारा क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, एनओ टू है, नॉक्स है, सॉक्स है, सब मिक्स है पार्टिकुलर मैटर के साथ, वही स्मोक हुआ। अब प्लस फॉग है, फॉग मतलब क्या कि तुम्हारा टेम्परेचर स्टैग्नेंट है वो पूरी तरीके से, वहाँ जो भी वेपर होता है वो पूरा स्टैग्नेंट है, दोनों कंबाइन हो जाएगा तो तुम्हारा स्मोक हो जाएगा, एसएमओजी स्मोक। तो वही कहा जाए कि स्मोक क्या है, स्मोक प्लस फॉग है, इसलिए इसको कभी कभी स्मोकी फॉग भी कहा जाता है। ये देखो इट कॉज बाय द बर्निंग कहाँ से आता है, देखो जब तुम थर्मल पावर प्लांट में है ना लार्ज अमाउंट्स ऑफ कोल जलता है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नंबर वन, वैक्यूलर इमिशन से भी निकलता है, रख दो उसको दूर से, ठीक है, इंडस्ट्रियल इमिशंस यहाँ से जब निकलेगा और उसको एटमॉस्फेयर में वैसा कंडीशन मिल गया, दोनों कंबाइन हुआ रामानंद जी, स्मोक बन गया। स्मोक में क्या क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा स्मोक में सूट पार्टिकल्स होंगे, स्मोक हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए, सॉक्स हो गए, नॉक्स हो गए, बहुत सारे चीज़ होंगे इसके अंदर। टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ स्मोक आर रिकॉग्नाइज्ड, दो अलग अलग टाइप के स्मोक्स पाए गए हैं, एक सल्फरस स्मोक और एक फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक में रामानंद जी बात होगा आपका लो लेवल ओजन के बारे में, जो कि ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है, ऐसे ओजन कहाँ का है फेनोमेना, स्ट्रेटोस्फीयर का फेनोमेना है, जो कि बेस्ट होता है, जो यूवी को रोकता है, मगर जो ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है वो बहुत डेंजर होता है ह्यूमन बींग के लिए। याद आया आपको ज्योग्राफी का एक चीज़ है वो, यहाँ समझेंगे सल्फरस स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक, ये दो क्या चीज़ है। सल्फरस स्मोक सल्फरस है तो यानी मतलब क्या है, इस स्मोक में ज़्यादा डोमिनेंट क्या है, सल्फर मटेरियल, सिंपल सी बात है, नाम से ही आ जाता है वो, तो जानेंगे इसमें। देखो स्मोक क्या है, सल्फरस स्मोक ये क्या, इसको लंदन स्मोक भी कहा था क्योंकि पहली बार लंदन में इसको पाया गया, रिकॉग्नाइज किया गया। देखो वहाँ पे क्या है, ये सल्फरस स्मोक लंदन स्मोक है, क्योंकि इसको पहली बार डिटेक्ट किया लंदन में फॉर द फर्स्ट टाइम। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि भाई लंदन उस समय 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था बढ़िया से, और पहली बार वहाँ पर प्रॉब्लम पाए गए। देखिए वही लिखा गया कि सल्फरस स्मोक रिजल्ट्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एसओ टू इन द एयर एंड इज कॉज्ड बाय द यूज ऑफ सल्फर बेयरिंग फॉसिल फ्यूल। जैसे जानते हैं कि आप जैसे डीजल हो गया और कोल हो गया, कोल जब जलाते हैं तो सल्फर बहुत रिलीज होता है, क्योंकि सल्फर उसमें बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं है। तो ये चीज़ जब कोल जलाते हैं तो सल्फर रिलीज हो रहा है, जब डीजल जलाते हैं वो भी फॉसिल फ्यूल है, वहाँ सल्फर हो रहा है, तो यहाँ पे स्मोक बन गया तुम्हारा, और इसलिए ये लंदन में पहला नोटिस किया गया था, इसलिए लंदन क्या है तुम्हारा स्मोक है। देखो कोल क्या है, मेन सोर्स था इंडस्ट्री का लंदन में ड्यूरिंग 19वीं सेंचुरी, यही कारण है कि इसको लंदन स्मोक कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ स्मोक इज एग्रीगेटेड, अब देखो इस टाइप का स्मोक जो है सल्फर, ये डैम्पनेस की वजह से यानी कि रुकापन हो गया, रुकापन मतलब वेदर ऐसे ही रुका हुआ है, डैम्पनेस मतलब क्या वेदर रुका हुआ है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, बोले ना PM2.5 PM10 ये और ज़्यादा हो गया और वेदर रुका हुआ है, वेदर का कोई मूवमेंट नहीं है, डैम्पनेस मतलब वेदर का मूवमेंट नहीं है, और बढ़ जाएगा ये एग्रीगेटर मतलब क्या होता है और ज़्यादा बढ़ना। ये कब बढ़ जाएगा, जब तुम्हारा कंडीशन वैसा रहेगा एकदम शांत कंडीशन है, मतलब क्या है एकदम स्टेबल है, समझे, वहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, कोई विंड मूवमेंट नहीं हो रहा है नंबर वन। दूसरा क्या है कि यदि वहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर बहुत ज़्यादा है, स्मोक का कैपेसिटी और बढ़ जाएगा, और इसमें यदि सल्फरस है तो सल्फरस स्मोक कहेंगे कि उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये हुआ तुम्हारा फोटोकेमिकल स्मोक। देखो फोटोकेमिकल स्मोक क्या है तुम्हारा, लॉस एंजलिस स्मोक भी कहा था, लॉस एंजलिस क्या प्रोविंस है ना एक तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स का, तो वहाँ पे देखा गया इसलिए उसके नाम से बोला जाता है नंबर वन। दूसरा देखिए ये स्पेशली आपका क्या मोस्टली अर्बन एरियाज में होते हैं, अर्बन एरियाज क्यों, क्योंकि अर्बन एरियाज इंडस्ट्रीज के लिए जाने जाते हैं, जितना इंडस्ट्रीज होगा उतना ही पोल्यूशन निकलेगा, उतना ही बनाएगा, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मोक, देखिए फोटोकेमिकल स्मोक यानी कि यहाँ पे सनलाइट क्या करेगा एज ए कैटलिस्ट काम करेगा, और सनलाइट के प्रेजेंस में और ज़्यादा स्मोक होगा। तो वही कहा जा रहा है देखिए कि फोटोकेमिकल स्मोक अकर्स मोस्टली इन अर्बन एरियाज डेट हैव लार्ज नंबर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जहाँ पे बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पे गाड़ी बहुत ज़्यादा है, जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्साइड और एमिटेड बाय देम, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा तो प्रभावित करेगा और स्मोक बन जाएगा, उसे फोटोकेमिकल स्मोक बोलेंगे। और भी देखो इसके बारे में कि कैसे फोटोकेमिकल स्मोक बनता है, देखो सिंपल सी बात है, जब पॉल्यूटेड जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है वोलेटाइल तुम्हारा VOC है यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट होगा तुम्हारा सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, तो जानते हो कि ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने बोला ट्रोपोस्फीयर वाला, और जो पैन करके है तुम्हारा देखो पेरोक्सिल नाइट्रेट, ये भी फॉर्म होता है, बहुत खतरनाक है ये, बहुत टॉक्सिक मटेरियल है पैन, समझे बात को,
जब तुम्हारा बहुत सारे पॉल्यूटेड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है VOC है, जब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट होता है फोटो केमिकल, यानी कि फोटो की वजह से केमिकल रिएक्शन होना, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में किसके साथ हो रहा है, ये तुम्हारा पॉल्यूटेंट हो रहा है। कौन सा पॉल्यूटेंट है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और तुम्हारा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, समझे। जब ये हुआ, ये प्रोसेस हुआ, तो क्या फॉर्म हुआ? ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्म हुआ और पैन भी फॉर्म हुआ। पैन के बारे में थोड़ी देर में बताएंगे, बहुत ही हाईली टॉक्सिक एलिमेंट है ये, मटेरियल है ये, समझे। आगे बढ़ जाओ, देखो तो फोटोकेमिकल क्या, कॉम्बिनेशन, वही तो बोला कि सभी कॉम्बिनेशन, यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन हुआ, इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है, पैन एंड पार्टिकुलेट मैटर, ये सभी का कॉम्बिनेशन है फोटोकेमिकल स्मोक। अब देखो, फॉर दिस रिएक्शन टू अकर ब्राइट एंड स्ट्रॉन्ग सोलर, यदि ये रिएक्शन बहुत ब्राइट हो, बहुत तेज हो, तो उसके लिए क्या चाहिए तुमको? स्ट्रॉन्ग सोलर रेडिएशन चाहिए, क्योंकि बिना सोलर रेडिएशन का तो हो ही नहीं सकता, इसलिए फोटो लगा हो वहाँ पे। क्योंकि फोटो मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, इसके इस रिएक्शन को और तेजी बल दे रहा है। अब तो समझ में आ गया होगा, स्ट्रॉन्ग सोलर रेडिएशन इज रिक्वायर्ड, सो जनरली फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्म्ड इन समर, क्योंकि समर में क्या होता है, इंटेंसिटी बहुत तगड़ा होता है, तो समर के टाइम में फोटोकेमिकल स्मोक बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं। समझ में आ रहा है तुमको जी? सो इट इज़ अ नॉन आइज, इसी को समर स्मोक भी कह देते हैं, समझे, इसको समर स्मोक कह देते हैं, क्योंकि समर के टाइम में इंटेंसिटी तेज होता है, वो एज अ कैटलिस्ट काम करता है सनलाइट के लिए, समझे, सनलाइट एज अ कैटलिस्ट काम करता है उस समय, समझ गए ना। आगे बढ़ जाओ, देखो कभी कभी इसको हेज भी बोल देते हैं, हेज इसलिए क्योंकि ये रेडिश ब्राउन कलर बना देता है, ठीक है, यानी कि तुमको स्काई दिखेगा ही नहीं ठीक से, स्काई देखने में तुमको बहुत परेशानी करना पड़ेगा, पूरा कवर्ड है, तो इट कॉजेस रेडिश ब्राउन डिसकलरेशन ऑफ द स्काई, ठीक है। हेज इज अ कंडीशन, हेज कंडीशन है जिसमें पार्टिकुलर मैटर और एरोसोल तुम्हारे स्काई का विजिबिलिटी को खत्म कर देता है, वही बोल रहे हैं, समझे ना, हाँ विजिबिलिटी खत्म कर देगा, देख तो आगे देखोगे तो दिखाई नहीं देगा तुमको, तो हेज वही है। हेज के बारे में बताया भी थे हम ज्योग्राफी में, याद होना चाहिए। देखो पैन के बारे में जैसे बोल रहे थे, पेरोक्सिसिल क्या है, पेरोक्सिसिल नाइट्रेट जो है तुम्हारा, ये पावरफुल रेस्पिरेटरी और आई इरिटेंट प्रेजेंट है, बोले थे ना बहुत टॉक्सिक होता है, यस आई टोल्ड यू बहुत टॉक्सिक होता है। जब पैन के कॉन्टैक्ट में आओगे तो बाबू इससे क्या हो सकता है, तुम्हारा रेस्पिरेटरी तो प्रॉब्लम होगा ही ब्रीथिंग सिस्टम में, साथ साथ आई इरिटेंट हो जाता है, यानी कि आँख पर बहुत, तुम्हारा आँख क्या है, काम नहीं करता है ठीक से, आई पे भी बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, होता है ना बहुत सारे गैस वगैरह आई कॉन्टैक्ट में आया तो आँख से आंसू निकलना, वही है इसमें एक ये भी है। एट हायर कंसेंट्रेशन दे कॉज एक्सटेंसिव डैमेज, यदि ज़्यादा मात्रा में आपको मिल गया, समझे, तो ह्यूमन हेल्थ पे बहुत बड़ा असर पड़ता है इसका, वेजिटेशन पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, और इतना नहीं, पैन ऑल्सो कॉजेज स्किन कैंसर, स्किन कैंसर भी हो सकता है पैन से, ये ज़्यादा लंबा एक्सपोजर आ गया तो। अब देखो हेल्थ इफेक्ट्स और अदर इफेक्ट, स्मोक का हेल्थ इफेक्ट्स किस तरह हो सकता है, देखो स्मोक जैसे कि मैंने कहा कि हाईली टॉक्सिक है ह्यूमन बींग के लिए, ठीक है, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्मोक तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो हम बोलते हैं ना कि ऑसोफेगस वाला जो ट्रैक्ट है, उसको इम्पैक्ट कर सकता है, लंग्स का जो कैपेसिटी है काम करने का उसको स्टॉप कर सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है, सांस लेने में कफ वगैरह हो सकता है, यानी कि पूरी तरीके से कोरोना वायरस वाला जो भी लक्षण होता है ये आपका स्मोक से भी हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू क्या है, आई पे प्रॉब्लम, नोज इरिटेशन भी हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि आपका बहुत प्रोटेक्टिव लेयर है नोज का, उसको डैमेज हो सकता है, थ्रोट को भी डैमेज हो सकता है, तो इन्फेक्शन यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा इससे, देखिए थ्रेटन्स, ठीक है, नोज एंड थ्रोट एंड इंटरफेयर्स विद द बॉडी एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन, क्यों, क्योंकि आपका मेम्ब्रेन पे अटैक हो रहा है, म्यूकस पे अटैक हो रहा है, तो जो बॉडी का जो क्षमता है इम्यूनिटी जो सहने का उस पर असर कर देगा, ठीक है। स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयरबोर्न, तो अब जैसे कि मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन है पर्टिकुलर मैटर का है, जैसे सूट हो गया, टॉक्सिक गैसेस हो गया, ग्राउंड लेवल ओजोन जो बता चुके हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी बहुत सारे जो कि कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर भी हो सकता है इससे, यानी कि कॉम्बिनेशन है जी बहुत सारा चीज़ का स्मोक। तो ये तो हेल्थ इफेक्ट हुआ ह्यूमन बींग के ऊपर, अदर इफेक्ट क्या हो सकता है, स्मोक रिड्यूस विजिबिलिटी ड्रास्टिकली, एक ही बार विजिबिलिटी खत्म कर देगा, इमिडिएटली खत्म, इसलिए इसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, यदि हाईवे बात करें तो एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है, यदि हम समुद्र का बात करें तो वहाँ पे भी एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा, मोबिलिटी ठीक से नहीं हो पाएगा। नंबर टू क्या है, स्मोक प्रिवेंट्स पॉल्यूटेंट फ्रॉम एस्केपिंग, हाँ देखो इसका बहुत बड़ा नुकसान है कि पॉल्यूटेंट बाहर नहीं जा पाएगा फिर, और पॉल्यूटेंट और ट्रैप हो जाएगा और स्मोक और बढ़ा देगा उस, अरे उसका इफेक्ट को और बढ़ा देगा। ये सभी क्या है, एयर पोल्यूशन का ही एक्सटेंशन पार्ट है, एयर पोल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। तो आज क्लास में हमने क्या बात किया, एस्बेस्टस के बारे में बात किया, उसके बाद हमने रेडन के बारे में पढ़ा, स्मोक के बारे में पढ़ा, स्मोक का दो अलग अलग जो भी कैटेगरी है, सल्फरस स्मोक के बारे में पढ़ा, फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में पढ़ा, फोटोकेमिकल स्मोक किस तरह फॉर्म होते हैं, सनलाइट का क्या इसमें रोल है, ग्राउंड लेवल ओजन कैसे बनते हैं, ठीक है, हेल्थ इफेक्ट्स क्या होता है और अदर इफेक्ट्स क्या होता है,
यही था क्लास आज का, समझे?